ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। ये स्टॉक ले लो, गर्मी में भी ठंडक देगा। चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या इसके फंडामेंटल है और क्या इसके टेक्निकल लेवल है। और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग हम वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। गुड क्वालिटी का स्टॉक है, गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 6.23%, आप इसकी EBIT ग्रोथ देख लीजिए 19.55%, आप इसकी क्या है कि नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए, नेगेटिव नेट डेप्ट इक्विटी रेशियो है। आप इसके प्लेज शेयर देख लीजिए 0, जो कि एक बढ़िया बात होती है किसी भी कंपनी में। अब हम इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। जो भी वैल्यू 542 के ऊपर होगी वो उसको वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे डालेगा। अब हम इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करेंगे। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 39.39, आप इसकी ईवी टू इबिट्टा रेशियो देख लीजिए 31.27, आप इसकी ROCE देख लीजिए 20.49, आप इसकी ROE देख लीजिए 12.58%। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसके नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 38.26% से अप हुआ है। आप इसकी क्या है कि नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जो भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 72.53% अप हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ा सा मार्जिन का हल्का सा दबाव दिखने को मिला है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो है 0.76%। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। आप इसके नेट सेल्स देख लीजिए, 11.04% की एक बढ़िया अपसाइड दिखने को मिली है। आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें 11.27% की एक डाउनसाइड देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आप इसमें इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जो कि एक डाउनसाइड देखने को मिला है 1.72% की एक डाउनसाइड है। क्या है कि ये कंपनी ईयर टू ईयर डाउनसाइड है, लेकिन क्या है कि आपने देखा होगा क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है, मींस कि ये क्वार्टरली अपने को ग्रो कर रही है रिजल्ट में। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 30.3% की एक बढ़िया सी होल्डिंग है। आप इसमें FIIs की होल्डिंग देख लीजिए 13.67%, आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए, बहुत ही अच्छी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 24.21% की। आप इसके प्लेज शेयर देख लीजिए नन है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। चलिए अब जानते हैं कौन सी यह कंपनी है और किस सेक्टर को ये बिलोंग करती है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक हम बात कर रहे थे वोल्टास के बारे में, ये अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन पे है, लार्ज कैप स्टॉक है, डिविडेंड भी एक बढ़िया सा पे करता है। हाल फिलहाल में इसने अभी डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन लास्ट ईयर उसने 4 रुपीज का एक बढ़िया सा डिविडेंड पे किया था। ये जो उसका हाउस है ना, ये टाटा कंपनी को बिलोंग करती है, टाटा इसका हाउस है। चलिए अब जानते हैं कौन से टेक्निकल लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, जिससे हमें एक लॉन्ग टर्म में बढ़िया सा मुनाफा हो। ओके, अब हम आ चुके हैं वोल्टास के चार्ट के ऊपर। आप देख लीजिए 2018 से ये लगातार ये दो लाइन को बीच में ही फंसा रहता है, मींस के ये देखो 500 या 650 के बीच में ही फंसा हुआ है ये स्टॉक। अभी क्या है कि जो इसकी ट्रेंड लाइन है उस पर आप देख लीजिए, 2017 में एक बार उसने क्या है सपोर्ट लिया था, हाल फिलहाल में 2018 में इसने सपोर्ट लिया और अभी भी थोड़े दिन पहले इधर इसने सपोर्ट लिया है। हालांकि ये अपने ट्रेंड लाइन के नजदीक है तो सो हम इसके क्या करेंगे, इसको ट्रेंड लाइन के ओर आने देंगे, सो हमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी देख लीजिए, जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ये क्या कौन सी निकल रही है, जो पहली रेजिस्टेंस लाइन है वो 627 निकल रही है और दूसरी रेजिस्टेंस लाइन है वो 660 के करीब निकल रही है। तो आप देख लीजिए इसको क्या है कि ये हाल फिलहाल में 612 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको ये जो 550 का लेवल है उसको करीब आने देंगे, बाद में देखेंगे। अगर ये हमको 500 और 550 के बीच में कहीं मिल जाता है, जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है वहां मिल जाता है, तो हम उसमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टप टा गुड बाय, जय हिंद।